अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक प्यारे दोस्त के फार्म हाउस का चक्कर लगवाते हैं। तो सबसे पहले आप ये घोड़ी चेक करें, बछेरी देसी नस्ल की ए, और उसके बाद आपको चेक करवाते हैं सफ़ेद खरगोश जो उसने बाहर मुल्क से इंपोर्ट करवाए थे। दो मादा थी और एक नर, तो उनमें से मादा दो मर चुकी हैं और ये नर उसके पास ही है। आप ये चेक कर सकते हैं, इसके बड़े बड़े बाल और आँख हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। तो उसके बाद चलते हैं, जो शिराजी कबूतर है वो आपको दिखाते हैं खोलकर। ये उसके शिराजी कबूतर है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, अल्लाह ताला मालिक के नसीब करे। और उसके बाद आपको दिखाते हैं मोर, मोरों ने ब्रीड की हुई है, बच्चे भी निकाले हुए हैं। तो सबसे पहले ये बड़ा ब्रीडर मोर, ये डर रहा है, आप चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत लंबी दुम के साथ। उसके साथ ये मादी बैठी है जिसने बच्चे नीचे दिए हुए हैं। ए बच्चे दिखाओ, हटो हटो हटो, चलो। तो दोस्तों ये एक ये बच्चा चेक करें, ओए निकल आओ बदमाश, क्या कर रहे हो। एक ये है दोस्तों, और एक ये नीचे छुपा हुआ था। तो ये मादा है मोर की, आप देख सकते हैं, और ये मोर है साथ में। अरे कहाँ भाग रहे हो। तो दोस्तों जब ये सुबह सुबह अपनी मौज मस्ती में होता है तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगता है। और उसके बाद ये भी कुछ कबूतर बैठे हैं शिराजी, इनका भी शौक कर लें। ये आप देख सकते हैं, और उसके बाद चलते हैं। तो दोस्तों ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, लाल लाल आँखें देखें इसकी, बहुत बड़े बड़े बाल। तो ये घोड़ी बड़ी शैतान है, मारने की कोशिश करती है। ए नहीं करो नहीं करो। तो दोस्तों आपको मुर्गाबियाँ भी दिखाते हैं, एक वाइट कलर में और एक दूसरे कलर में। क्या कर रहे हो, ये देखें दोस्तों। उसके साथ साथ आपको दिखाते चलते हैं, एक छोटा बच्चा जो भेड़ का दूध ले रहा है। तो ये जो आपको जितना भी रकबा नज़र आ रहा है ये दोस्त का है। तो दोस्त ने एक केज बनाया है कबूतरों के लिए, तो आपका उसका भी विज़िट करवाते हैं। ये छोटा बच्चा रखा हुआ है कुत्ते का, लेकिन थोड़ा सा बीमार लग रहा है। तो चलते हैं, बहुत ही बड़ी साइज़ में केज बनाया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं केज की सेटिंग, ये कबूतरों के लिए बनाया गया है। तो ये कबूतरों के लिए अंदर कुछ घोंसले वगैरह की जगह भी बनाई हुई है।
फिर से एक दफ़ा आपको पीछे का चक्कर लगा कर आपको नज़ारा दिखाते हैं। मोर भी बाहर निकला हुआ है, शायद मस्ती कर ले। तो मुर्गाबियों के पीछे लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, जल्दी से। अबे कहाँ भाग रही हो? तो दोस्तों आपने कमेंट्स में अपनी राय देनी है कि आपको ये सफ़ेद खरगोश कैसा लगा। मुझे तो बहुत प्यारा लगा। कबूतरों के बारे में भी बताना, मोर और उसके बच्चों के बारे में भी बता देना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपना केज बनाना है फिरारी के लिए, तो इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो आपको साथ साथ दिखाएंगे जब काम शुरू करेंगे। तो